जय मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका रॉयल प्रिंस। तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं पीस के बारे में, समाधान, शालोम के बारे में। एक बार क्या होता है, एक आर्ट गैलरी के ओनर ने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ा सा एक कॉन्टेस्ट रखा। वो कॉन्टेस्ट क्या था कि जो एक बंदा पीस को सिंबलाइज करने वाला, समाधान को दर्शाने वाला अच्छी तरह से जो एक पेंटिंग बना के लाएगा, उसको मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। तो ये जो न्यूज़ पूरा दुनिया में फैला, तो दुनिया के कोने कोने, अलग अलग देश से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से पेंटर्स अपनी पेंटिंग को सबमिट कर रहे हैं। लाखों में पेंटिंग अपनी सबमिट हो रही है। लाइक तो वहाँ पे मीडिया भी वहाँ पे एक बहुत पूरा न्यूज़ को कवर करने लगे कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। लाखों का पेंटर वहाँ पे एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनाम भी बहुत बड़ा है, 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। तो पूरे दुनिया को जानना है उसको, कौन जीतने वाला, वो पेंटर कौन है, वो पेंटिंग को सबको बोलते एक क्यूरियोसिटी में कौन जीतेगा, कौन रहेगा, कौन रहेगा। तो एक महीने जा रहा है। तो जो वहाँ पे जो पेंटिंग्स के जो जजेस है, उसको जज कर रहे, देख रहे हैं। तो लास्ट में उन्हें 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया। एक पेंटिंग को है उसको हम देंगे 10 करोड़ का इनाम। तो एक आर्ट गैलरी का ओनर जो क्या कर रहा है, एक दिन वो अपने आर्ट गैलरी में बहुत बड़ा एग्जीबिशन रखे, वो पूरा 100 पेंटिंग को टांगता है। तो बहुत सारे लोग आ रहे, तो मीडिया बैग आके पूरे कवर करे, तो पूरे सारे पेंटिंग को देखा। वहाँ पे एक से बढ़कर बहुत सारे 100 पेंटिंग बहुत अच्छे। एक पेंटिंग ऐसा है कि लाइक इवनिंग है और ये जो आइस जो वाटर है पूरा फ्रीज हो गया है, पूरा एक फ्रीज्ड वाटर है, ऊपर सनलाइट आ रहा है, उसका वहाँ पे चमक गिर रहा है, वो सबसे साथ में नेचर है, देखते ही समाधान, देखते ही शांति फील होने से। बहुत सारा अच्छे अच्छे पेंटिंग वहाँ पे दिख रहे हैं। और एक पेंटिंग है एक फुल मून डे को लेके एक बनाया, वहाँ पे क्या एक जो पानी जब पूरा एकदम स्टिल, इतना स्टिल है कि वो पानी में मून का और स्टार का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इतना अच्छा पिक्चर बने के बाद देखते ही अपने को पीस हो रहेगा। नेचर को डिपिक्ट करके बहुत सारे पिक्चर हैं, वो देखते हुए अपने को शांति में ऐसे बहुत सारे पिक्चर हैं। बट लेकिन जब वो 10 करोड़ का इनाम जीतने वाला जो पेंटिंग को सामने रखा है, एक बड़ा सा कर्टन रखा है, तो वहाँ पे सारे मीडिया वाले, सारे पेंटर, सारे नॉर्मल देखने वाले सब लोग बहुत देख रहे हैं क्या है पेंटिंग क्या है देखने से बहुत उसी तरह देख रहे भाई क्या पेंटिंग है देखने करके। तो जब वो कर्टन खुला तो पेंटिंग को देखे, वहाँ के सारे मीडिया के लोग अपने एक दूसरे के चेहरा देख रहे हैं भाई क्या है, जो पेंटर है, जो लोग हैं अपने चेहरे को देख रहे भाई तो पेंटिंग क्या हुआ है, ये क्यों ऐसा क्यों है, बहुत सारे कन्फ्यूज रहते। तो एक्चुअली तो जो पेंटर जो और मीडिया लोग हैं जो आर्ट गैलरी के ओनर है, उनके उनके पास जाकर माइक जाके लेके जा रही हूँ, क्या हुआ आपके लिए, आपने ये क्यों अपने रखा, आपने गलती से इसको रख दिया था, नहीं यही विनर है। तो फिर जो लोग हैं जाके भाग रहे जाके इनके पास जिसने पेंटिंग को जज किया था, उनके पास जाके पूछ रहे थे आपने ये पेंटिंग चुना, आपने गलत नहीं चुना, ये बोला यही एक परफेक्ट पिक्चर है, यही इस 10 करोड़ इनाम जीता है। तो लाइक वो पेंटिंग में तो फिर से उन्होंने बहुत पूछ रहे क्या है क्यों है, तभी वो जज और ओनर जो आर्ट गैलरी का ओनर है बता रहा है, आपने से वो पूरे पिक्चर में आंधी है, तूफान है, सारी तरफ जो घास सब निकल गए, आंधी तूफान चालू है, बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो रहा है। वही उसी चीज़ का आपने पिक्चर में देखा, आंधी है, तूफान है, लेकिन आपने इसको नहीं देखा कि वो पिक्चर में एक छोटा सा घर है और छोटे से घर में एक छोटा सा विंडो है और छोटे से एक विंडो में एक आदमी स्माइल कर रहा है। उसके सराउंडिंग में आंधी है, तूफान है, बट लेकिन फिर भी उस छोटे से घर में रहके वो स्माइल कर रहा है, खुश है। इसी को बोलते हैं असली शांति, इसी को बोलते हैं असली पीस। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाहर पूरे पीस है, इसके लिए तुम्हारे अंदर पीस है, इसको पीस नहीं कहते, लेकिन तुम्हारे अंदर पीस, इसलिए तुम पीस हो, इसको बोलते हैं पीस। इसी चीज़ को यीशु मसीह ने बोला था, मैं तुम्हें दुनिया में जो समाधान है वो नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपना खुद का समाधान दे रहा हूँ। उस जब समाधान सिर्फ दिया नहीं, वो खुद भी अपने अंदर आ गया। हमारे अंदर सिर्फ पीस जो समाधान ही नहीं, लेकिन समाधान जो नायक है, समाधान देने वाला, वो भी हमारे अंदर आ गया है। पौल और सिलास जेल में,
पूरे जेल में सिक्योरिटी है, लेकिन उस जगह पे भी उस अंधेरी रात को भी उस पूरे एक ट्रेंस सिचुएशन में उन्होंने वर्शिप किया, पूरा जॉय के साथ वर्शिप किया। वहाँ पे जो है अपने पूरे खुशी के साथ गए, खुशी समाधान के साथ उन्होंने गा रहे पावलर से। वहाँ पे जो देखो वहाँ पर जेल के अंदर भी उनके अंदर समाधान था। क्यों? क्योंकि उन समाधान जो उनके अंदर था, क्योंकि उनका समाधान का सोर्स जो सोर्स ऑफ पीस था यीशु मसीह जो उनके अंदर था वो था, ना ही दुनिया। जब मैं रेमा कॉलेज में पढ़ रहा था, बायो कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ पे एक सर ने मुझे एक पॉइंट बोला था, एक जब टीच कर दो उसने एक पॉइंट बोला था उन्होंने, जो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। कभी मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ कभी भी मैं कभी नहीं बोलता था। वो पॉइंट बोला कि पाउल एंड सिलास वेंट इन टू द प्रिजन बट दे डिड अलाउ द प्रिजन टू कम इन साइड देम। पाउल और सिलास जेल के अंदर गए पर लेकिन जेल को उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। मतलब भले ही वो जेल में थे बट लेकिन उनके जो अंदर हृदय में वो जो नेगेटिविटी है उनको हृदय में आने नहीं दिया। इसका ही रास्ता कि पाउल और सिलास जेल में भी रहकर खुश है। और एक बात, जो फिलिपी जो अपने आप पता है फिलिपिन जो एपिस्टल है, फिलिपी की पत्री है, उसमें सबसे ज़्यादा जॉय खुशी का वर्ड यूज़ किया है उस पत्रिका में। लेकिन जब वो पाउल जब पत्रिका लिख रहा था वो कुछ जेल में था। जेल में रहकर एक बंदा बोलता है दूसरों को देखे बोलता है खुश रहो, यानी देखो उनका जो जॉय उनका जो पीस का सोर्स था वो दुनिया नहीं लेकिन स्वयं खुद के जो यीशु मसीह है वो उनका पीस का और जॉय का सोर्स था। इवन तो अब बॉर्न अगेन हो, आपके अंदर यीशु मसीह है, आप उनसे बात नहीं करते, उनका प्रेयर नहीं करते, आप उस पीस को फील नहीं कर सकते, इसलिए आप रेगुलरली प्रे करेंगे। मतलब अब यीशु मसीह आप रेगुलरली बात कर रहे हैं, अगर आप रेगुलरली बात कर रहे हैं तो उनका जो पीस है आपके अंदर है, लेकिन तभी आपको फील होगा, आपको तभी जो आपको जो इन्फ्लुएंस होएगा वो अपने अंदर से इन्फ्लुएंस होएगा लेकिन बाहर से नहीं। तो इसलिए बोलते रोज प्रेयर करो और अपना समाधान बनाए रखें। तो थैंक यू, मैं आपसे ऐसे अगले मिनट मिलने तक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।